हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज किस प्रकार का। जनरल नॉलेज आपको इस प्रकार का दिया जाएगा जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। मैं बता दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भी है, और हमारे जो कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी, यह होशंगाबाद के भावरा नामक गांव से थे, मतलब एक छोटे से कस्बे से थे। तो इन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है होशंगाबाद और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जबलपुर संभाग में मनाया जाता है। जबलपुर एक संभाग भी है और जिला भी है। डिटेल में देख लेते हैं ऑप्शन बी को। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे। माखनलाल जो चतुर्वेदी थे, जो महान कवि थे, मध्य प्रदेश से ही थे। पंडित जी, जिन्हें हम पंडित जी के नाम से पुकारते थे, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर टू, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन बी है 3 लाख, ऑप्शन सी है 4 लाख तथा ऑप्शन डी है 5 लाख। तो मैं आपको बता दूं कि कालिदास सम्मान में जो राशि दी जाती है वो 2 लाख दी जाती है, मतलब आपका आंसर ए सही है। डिटेल में देख लेते हैं। कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, मतलब इस क्षेत्र में उत्कृष्ट नाटक सम्मान है यह कालिदास सम्मान, जो कि संगीत के क्षेत्र से दिया जाता है, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे दिया जाता है, या इसके संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें राशि 2 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फर्स्ट है ग्वालियर, सेकंड है रीवा, थर्ड है धार तथा फोर्थ है भोपाल। मैं आपको कुछ समय का टाइम दे देता हूं, या कुछ सेकंड का टाइम दे देता हूं, ताकि आप भी सही आंसर बता सको। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है धार। फड़के स्टूडियो धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डिटेल में देख लेते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण, आपको याद रखना पड़ेगा, रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनवाया गया था। रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनवाया गया था। कौन सा स्टूडियो? फड़के स्टूडियो, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार
खेलों से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश में जो दिया जाने वाला खेल पुरस्कार है वो खेलों से संबंधित नहीं है। विक्रम खेल में दिया जाता है, विश्वामित्र फिर खेल में दिया जाता है, एकलव्य यह भी खेल में दिया जाता है, बट शिखर अवार्ड ऐसा है कि शिखर अवार्ड जो है वो खेल में नहीं दिया जाता। मतलब आंसर क्या है, शिखर अवार्ड। डिटेल में देख लेते हैं शिखर अवार्ड। शिखर अवार्ड, शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का जो है एक श्रेष्ठ पुरस्कार है जो साहित्य फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। काहे में, साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 से 1981 के बीच में हुई। कब हुई थी? 1980 और 1981 के बीच में, 1980 देन 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? प्रभात जोशी, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड है जिसका नाम है प्रभात जोशी अवार्ड, किस खेल में दिया जाता है? आंसर ऑप्शन ये है मलखम, ऑप्शन बी है मुक्केबाजी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, देन ऑप्शन डी है हॉकी। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभात जोशी अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश में मलखम में दिया जाता है, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। कौन सा राजकीय खेल? कौन सा है राजकीय खेल? ऑप्शन ए मलखम। डिटेल में देख लेते हैं मलखम ये ऑप्शन। प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि मलखम हमारा राजकीय खेल है। राष्ट्रीय नहीं बोला मैंने, राजकीय खेल है, मतलब स्टेट का खेल है। मलखम मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है, मतलब वह हमारा राजकीय खेल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? संपूर्ण लंबाई नहीं पूछा हमने, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई पूछा। ऑप्शन ए है 1055 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1066 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1077 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1078 किलोमीटर। तो मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे देता हूं ताकि आप कुछ सेकंड के लिए इसका आंसर बता सके। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी 1077 किलोमीटर। ऑप्शन सी। हाँ, पूछा क्या है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई पूछा है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? 1315, मतलब 13-15 ऐसे भी बोल सकते हैं, 13-14-15। तो हमें याद कितना, कौन से नंबर रखना है, 13 और 15 किलोमीटर। संपूर्ण लंबाई कितनी है? 1315, मतलब 13-15 किलोमीटर। परंतु इसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार, फिर पुरस्कार आया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, खेल क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी है खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, तथा ऑप्शन सी है सामाजिक कार्यों के लिए, तथा ऑप्शन डी है साहित्य के लिए। तो मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे देता हूं ताकि आप सही आंसर बता सकें। मुझे तो लग रहा है ऑप्शन ए, खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए। हाँ, मेरा आंसर गलत हो गया, सॉरी। हाँ, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसी प्रकार से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थोड़ी थोड़ी गलतियां करते हैं, तो इसी प्रकार से आप मिस्टेक करते हैं, गलतियां करके आते हैं। तो आपको प्रदर्शन के लिए नहीं चूज करना, आपको क्या प्रशिक्षण, प्रशिक्षण जो देते हैं उनके लिए ये विश्वामित्र पुरस्कार
दिया जाता है, मतलब जो कोच रहते हैं हमारे उनके लिए दिया जाता है विश्वमित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में। डिटेल में देख लेते हैं, विश्वमित्र पुरस्कार ऑप्शन बी खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। खेल में अच्छे प्रशिक्षण मतलब जो हमारा गाइड रहता है, जो हमें गाइड करता है, जितने अच्छे से वो गाइड करेंगे उनका नाम लिस्ट में आएगा, वो उस चीज के लिए उन्हें प्रशिक्षण या प्रशिक्षित किया जाएगा, मतलब उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विश्व मित्र पुरस्कार खेलों में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शन ए है 12 मतलब 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। कुछ सेकंड का टाइम दे देता हूं आपको, चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी है 14 मतलब 14। कर्क रेखा पूछा क्या गया है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितनी जिलों से गुजरती है, तो कितनी जिलों से गुजरती है 14। देख लेते हैं डिटेल में ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। ये उज्जैन एक हो गया, दूसरा रतलाम, तीसरा अगरमालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा सीहोर, छठवा भोपाल, सातवा विदिशा, आठवा रायसेन, नौवा सागर, दसवा दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां कटनी तथा 13वां उमरिया तथा 14वां शहडोल। तो उज्जैन, रतलाम, अगरमालवा, राजगढ़, आगरा नहीं है ये, अगरमालवा है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल आदि डिस्ट्रिक्ट में हमारी कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। पहले यह शाहजहांपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाहजहांपुर जिले से जो कि अगरमालवा से अलग हुआ है से गुजरती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है, शुंग साम्राज्य, ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है इंदौर। तो शुंग साम्राज्य का इतिहास बतलाना है वो कहाँ से है, कुछ सेकंड का टाइम दे देता हूं मैं आपको, मुझे तो लग रहा है विदिशा है। हाँ सही, डिटेल में देख लेते हैं। ऑप्शन ए, शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये याद रखने योग्य इतिहास में दिया गया है पुष्यमित्र शुंग। शुंग साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, एक ब्राह्मण राजवंश था। कौन सा राजवंश था? ब्राह्मण, जिसे शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसकी राजधानी विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मतलब यह है कि मैग्नीज अयस्क मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है बालाघाट, ऑप्शन बी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है मंडला। तो इसमें ऑप्शन पहले से दिया हुआ है आपका, बालाघाट में मैग्नीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मैग्नीज जो है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है। डिटेल में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का बालाघाट जो मैग्नीज जिला है वो, बालाघाट जो जिला है वो मैग्नीज डिस्ट्रिक्ट के नाम में मैग्नी अयस्क सबसे ज्यादा होने के कारण मैग्नीज डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के अयस्क की खानों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन था मैग्नीज अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीज अयस्क जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच, यह इस प्रकार के डेली सीरीज में आपको 10 क्वेश्चंस डेली मिलते जाएंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं।
तो इसी प्रकार एमसीक्यू के वीडियो आपको